सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू सूरज में सूरज मुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया। हे प्रभु, अगर मैं तुझे एक पल ना देखूं, एक पल मैं तेरा दर्शन नहीं करूं तो दिल नहीं लगता। एक दिन एक दिन ये आंसू हमसे पूछ बैठे, अरे गोपी तू हमें रोज क्यों बुला लेती है। हमने ये कहा रे आंसू, याद तो हम अपने कान्हा को करते हैं लेकिन तुम क्यों चले आते हो। याद हमारे प्रियतम की आती है, उनकी याद में आंखों से आंसू भर जाते हैं। सरार फरार का एक बहुत अच्छा शेर है। फरार कहता है, बहुत अजीब सिलसिला है तेरे, बहुत अजीब सिलसिला है हे प्यारे तेरी मोहब्बत का, बहुत अजीब सिलसिला है हे प्यारे तेरी मोहब्बत का, ना तूने कैद में रखा और ना हम फरार हो। गोपियां ठाकुर के प्रेम में इतनी जुड़ गई कि उनके बिना गोपियों का एक मन भी लगने नहीं लगा है। इसके बाद में यहाँ थोड़ा रमन रीति का थोड़ा महत्व ज्यादा बताया है। जो रमन रीति कभी लेटा नहीं है उसका ब्रज में रहने का कोई मतलब नहीं, उसके ब्रज में रहने का कोई भी मतलब नहीं। आज ठाकुर जी को देखते हैं सभी सखा, ठाकुर जी के हाथ में माटी का डेला लगा हुआ है। ठाकुर जी माटी का डेला अपने मुखारविंद में रखते हैं, सभी सखा मैया यशोदा के पास लेकर के चले जाते हैं। जब मैया यशोदा के पास लेकर के गए, मैया यशोदा से जाकर के कहा, अरे मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है। तो भगवान कहते हैं, भैया मैंने माटी नहीं खाई, मैंने तो ब्रज रज खाई है। ठाकुर जी अपने मुख को खोलते हैं, सब संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, लेकिन वैष्णवी मैया के द्वारा ठाकुर जी सभी को बुलवा देते हैं। यहाँ रमण रीति का बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक बार मैया यशोदा माखन निकाल रही थी, तब माखन निकाल रही थी तो कन्हैया आकर के बैठ गए। कन्हैया आकर के बैठे, कहने लगे, मैया हमको थोड़ा माखन चाहिए। तब कन्हैया मैया कह के, लाला देख माखन अभी निकलो नहीं है, लेकिन माखन से भी अच्छा मैं तेरे ताई एक चंदा मामा दे दूंगी। अब कन्हैया माखन को भी भूल गए, चंदा मामा की कहने लगे। मैया यशोदा एक परात में पानी रखती है, चंदा मामा का प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन मेरे गोपाल उसमें हाथ डाल करके देखते हैं तो पानी पानी। आज यहाँ वार्तालाप होती है मैया यशोदा की, तो कन्हैया मैया यशोदा की गोदी में बैठ जाता है। मैया यशोदा की गोदी में बैठ रहे हैं, ठाकुर जी कहने लगे, भैया तो कुछ दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। बोले, लाला मुख तो पूत पारो है। तभी एक गोपी आती है, गोपी आकर के कहने लगी, अरे मैया तू लाला से बतरा रही है, तेरो रसोई में रखो दूध उफन रहो। जैसे ही कहा, तेरो रसोई में दूध उफन रहो है, तभी मैया लाला को बिठाती है और दूध के पास चली जाती है। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया है, कन्हैया क्रोध में आकर के सारी मटकियों को फोड़ देते हैं। मैया यशोदा की ददिया सास की ददिया सास की मटकी थी, सबको फोड़ दिया। सभी सखाओं को बुलाया, सभी बानों को बुला लिया, आओ आकर के हमारे घर आज भंडारा है, खूब भंडारा खाओ। मैया यशोदा ने देखा, अभी आवाज आई है, देखो तो सही क्या किया है लाला ने,
मैया यशोदा ने देखा बानर लग रहे, कन्हैया भी खा रहे, सभी सखाओं को खिला रहे हैं माखन। मैया यशोदा को गुस्सा आया, मैया यशोदा ने एक छड़ी ली और कन्हैया के पीछे पीछे भागने लगी। मैया यशोदा आगे आगे मेरे ठाकुर हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा भाग रही है, भागती जा रही है मैया यशोदा। ठाकुर जी आगे भागते जा रहे हैं, कन्हैया के हाथ नहीं आते हैं। इसके बाद में कन्हैया खुद ही मैया यशोदा के हाथ में आ जाते हैं और मैया यशोदा उखल से बांधने लग जाती हैं। जब मैया यशोदा उखल से बांधने लगी कन्हैया को, तो बार बार दो उंगल छोटी रस्सी पड़ जाती है। बार बार प्रयास करती है मैया यशोदा, लेकिन बार बार दो उंगल छोटी रस्सी पड़ जाती है। लेकिन जब कन्हैया कहते हैं लाओ मैया मैं स्वयं बंध जाता हूँ, आज कन्हैया स्वयं रस्सी से बंध जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित मैया चली गई, आज कन्हैया ने पीछे से उखल को विशेष से लाए, घिसे से लाए, लाकर के दो वृक्ष खड़े थे वहीं आकर के उखल से उखल को रख दिया और अपनी कोहनी का वृक्षों पर स्पर्श करते हैं, तुरंत धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये कुबेर जी के पुत्र हैं, इनको नारद जी का श्राप मिला है। समय के अभाव को देखते हुए आगे चलते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक दिन नंद बाबा अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे लाला का जन्म हुआ है, कोई ना कोई राक्षस आता रहता है। मेरे गोपाल को मारने के लिए एक राक्षस आया जिसका नाम है बत्सासुर। मेरे गोविंद बत्सासुर का उद्धार करते हैं। और मेरे गोपाल को मारने के लिए एक और राक्षस आया जिसका नाम है बकासुर। और मेरे गोविंद बकासुर का उद्धार करते हैं। फिर मेरे गोविंद सभी ब्रजवासी वृंदावन चल देते हैं, नम वृंदावन नाम। आज सभी ब्रजवासी कन्हैया की सुरक्षा के लिए वृंदावन चल देते हैं। वृंदावन में पहुंच गए हैं, अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठ कर के गए हैं। वहां जाकर के कन्हैया आज मैया से कहते हैं मैया आज मैं गैया चरावे के ताही जा। मैया यशोदा कहती है नहीं लाला, अभी तू छोटो है, अभी तू बड़ो नहीं हुआ है, या लिए तू गैया चरावे के ताही नहीं बछड़ा चरावे के ताही जा। आज कन्हैया बछड़ा चरावे के ताही जाते हैं। जैसे ही मेरे गोपाल आए तो मेरे गोविंद को आज सारी रात नींद नहीं आई। जब कन्हैया को सारी रात नींद नहीं आई, सभी ब्रजवासियों से कहा आज गैया चरा बछड़ा चरावे की छुट्टी है। बोले काय खुशी में, बोले आज खेल खेलेंगे, गेंद का खेल खेलेंगे। गेंद का खेल खेलने के लिए यमुना के पास जाते हैं। वहाँ सबकी बारी 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 आती है। जैसे ही मेरे ठाकुर की बारी आई और मेरे गोविंद ने ऐसी बॉल मारी, सीधा यमुना में जाकर के गिर पड़ी। आज गेंद जैसे ही यमुना में जाकर के गिरी, राधा रानी का भाई ही श्री दामा है। श्री दामा मेरे गोविंद से गेंद मांगने लगा, लाला मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया बोले भैया गेंद तो यमुना में गिर पड़ी, अब क्या करें, कालिया नाग रहता है वहाँ नहीं कूदिए। कालिया नाग ने जल को बसेला कर रखा है, अगर उस जल के ऊपर से कोई पक्षी भी निकल जाए तो तुरंत मर जाता है। अगर कोई गाय उस धोखे से पानी पी ले, जल पी ले तो तुरंत मर जाता है। आज तूतू ही तूतू में बात ज्यादा बढ़ गई। जब बात ज्यादा बढ़ गई तब मेरे गोविंद ने कहा अगर मुझे ज्यादा कहोगे तो मैं यमुना में कूद जाऊंगा। सभी सखा कहने लगे लाला हमको पता है तू नहीं कूदेगा, लेकिन मेरे गोविंद चल देते हैं। जाकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए और जैसे ही कदम के पेड़ पर चढ़े गए, सखाओं ने देखा अब लाला कूद जाएगा। सभी मना करते हैं लेकिन मेरे गोविंद काल यमुना में कूद जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित मेरे गोपाल यमुना में कूद गए। वहां जाकर के कालिया नाग से बहुत बेहतर युद्ध होता है, लेकिन कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करता है। तब मेरे प्रभु कहते हैं मैं तेरे फन पर नृत्य करूंगा, जब मैं तेरे फन पर नृत्य करूंगा तो मेरे चरण छुप जाएंगे और तुझे गरुण नहीं सताएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज मेरे प्रभु सर्प के फन पर कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं, नाचने लग जाते हैं।
आज बंसी बजा करके मैया यशोदा नंद बाबा सभी यमुना के किनारे पर बैठे हैं और सभी कन्या को निहार रहे हैं। मैया यशोदा की दोनों आंखों में आंसू भर रहे हैं, मेरे लाला यमुना में कूद गए, मैं अपने लाला के बिना एक पल भी कैसे काटूं, मैं अपने लाला के बिना नहीं जी सकती। मैया यशोदा यमुना में कूदने के लिए तैयार हैं, लेकिन बलराम जी सब जाते हैं, नहीं भैया लाला आने वाले हो, तू चिंता मत कर, आज कहीं जा। कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के मुरली का निनाद करते हुए आते हैं। मैया यशोदा ने जैसे ही मुरली को सुना, मैया यशोदा की तुरंत आंखें खुल गई, अपने लाला को निहार के जा, मेरे लाला आ गए, मेरे लाला आ गए, अरे मेरे लाला आ गए। मेरे गोविंद कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं, अपने पैर के चिन्ह कालिया नाग के फन पर छप जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कालिया नाग वहां से चला जाता है, यमुना का जल बड़ा पवित्र बन जाता है। इसके बाद में यहां ब्रह्मा को ब्रह्मा का अहंकार दूर करते हैं और मेरे प्रभु सभी गोपियां जो प्रतिदिन चार बजे उठती हैं, चार बजे जाकर के कात्यायनी माँ का पूजन करती हैं, कात्यायनी माँ का पूजन करती हैं, कहती हैं कात्यायनी माँ, कात्यायनी महामाई महायोगिनी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरुते नमः। आज कात्यायनी माँ से प्रार्थना करती है, कात्यायनी माँ हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। एक दिन श्री कृष्ण वहां से निकल रहे थे, तभी सभी गोपियों से कन्या कहते हैं, अरे गोपियों हमको पता है कि तुम प्रातः चार बजे जाकर के यमुना स्नान करती हो, यमुना स्नान करने के बाद में तुम कात्यायनी माँ का पूजन करती हो, पूजन करने के बाद में हमें पति रूप में मांगती हो, हमको सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हारे जो नहाने की पद्धति वो सही नहीं है, कभी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, अगर कोई तुम्हारे वस्त्रण को चुरा करके ले गया तब क्या करोगी। सभी गोपियों ने कहा रहने दीजिए, चार बजे कौन आ रहा है, कौन हमारे वस्त्रण को लेकर के जाएगा। तब मेरे गोविंद समझ गए इनको बताना पड़ेगा। आज गोपियां प्रातः जाकर के चार बजे गई स्नान करने के लिए यमुना जी में, स्नान करने के लिए जब वस्त्रों को उतारा, वस्त्रों को उतारने के बाद में यमुना में अंदर गई, जाकर के स्नान करने लगी। मेरे गोविंद आए, मेरे गोविंद सभी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, कदम के वृक्ष पर चढ़ चढ़ के मेरे गोपाल सभी गोपियों के वस्त्रों को टांग देते। एक गोपी ने कहा, अरे स्नान करती रहोगी या चलोगे भी, चलना भी है, अभी कात्यायनी माँ का पूजन करना है। सभी गोपियां कहने लगी हाँ हाँ चलिएगा। जब गोपियां जल से बाहर निकलने लगी तो देखा सामने वस्त्र नहीं, हमारे वस्त्रों को कौन चुरा करके ले गया। गोपियां इधर उधर देखने लगी, एक बार तो गोपियां रोने भी लगी। जब गोपियां रोने लगी तो ऊपर नजर डाल करके देखा, ऊपर नजर डाल करके देखा वस्त्र टंगे हुए, और गहरी नजर से देखा तो सामने ठाकुर जी भी बैठे, ठाकुर बैठे। गोपियां कहने लगी, अरे लाला तनिक हमारे वस्त्रन तू दे दो। कन्या बोले, हमारे पास तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं? बोले तुम्हारे कदम के पेड़ पर लटके हैं, ये हमारे वस्त्र हैं। कन्या बोले, ये तो हमारे कदम के पेड़ पर फूल आए हुए। गोपियां बोली, ये कैसे फूल लाला, हरो बैगनी गुलाबी नीलो पीलो। बोले तुम नहीं जानती गोपियां, हमारे जो कदम को पेड़ है वो दुनिया से निरालो है। अच्छा अगर तुम्हारे वस्त्र हैं तो एक एक गोपी आओ और अपने वस्त्रन लेकर के चली जाओ, हाथ जोड़ कर के आओ। तब एक गोपी कहती है, हे प्रभु हम उसकी योग्य नहीं है, अगर योग्य आती तो आपसे प्रार्थना क्यों करती। तब सभी गोपी आपस में
वार्तालाप करते हैं। तब एक गोपी कहती है, इनके सामने लाख वस्त्र पहनो, करोड़न वस्त्र पहनो, तब भी निर्वस्त्र हैं। सभी गोपी जल से बाहर निकलती हैं। एक एक गोपी बाहर निकल कर के आती है और भगवान श्री कृष्ण से वस्त्र लेकर के चली जाती है। प्यारे भक्त, थोड़ी शांति बना। नाम रे पिया ओहो सखी अपना बना लेते हैं, सखी नाम रे पिया ओहो सखी अपना बना लेते हैं, सखी नाम रे पिया ओहो सखी अपना बना लेते हैं, सखी नाम रे पिया ओहो सखी अपना बना ले I'm not afraid of the dark.
कभी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सूर्य भगवान का अपराध भी होता है और वरुण भगवान का अपराध भी होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे जल हो चाहे अपना घर हो, वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। तो ठाकुर जी इसके बाद में ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी मैया यशोदा के पास गए, मैया यशोदा मुख पर पट्टी बांध करके सामग्री बना रही है पुआ पकवान। तो ठाकुर जी बोले मैया तनिक हमको एक पुआ दे दे। मैया बोली एक लला भी पुआ नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले दूर 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 भाग। ठाकुर जी फिर बोले भैया हमको एक पुआ दे दे। बोले भाग जाए यहाँ से। कन्हैया को डांट दिया तो कन्हैया दौड़े दौड़े आए बाबा की गोदी में आकर के बैठ गए। बाबा से कहने लगे बाबा आज काई खुशी में पुआ पकवान बन लो घर में। नंद बाबा बोले देख लाला अभी तू छोटो सो लाला है, तू नहीं जाने। देख लाला इंद्र देवता है उनकी पूजा करते हैं, हम सब ब्रजवासी मिलकर के धूमधाम से इंद्र की पूजा करते हैं। कन्या ने बोला बाबा काई खुशी में। बोले लाला तू नहीं जाने हैं, जब हम पूजा करते हैं तो इंद्र देवता जो है बारिश करता है, पानी डालता है, पानी डालता है तो हमारी हरी हरी घास हो जाती है, तो गाय चरती है। कन्या बोले बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछ बाबा। पूछ लाला। बोले बाबा एक बात बता, अगर आधे ब्रजवासी पूजा करें गिरिराज महाराज की और आधे ना करें, या को मतलब इंद्र तो आधे आधे जो पूजा करता है उसी की खेती में बात पानी डालेंगे। नंद बाबा बोले लाला देख तू मेरी बुद्धि को घुमावे मत, तू पॉइंट की बात क्या क्या कहना चाहता है। तो कन्हैया बोले बाबा हम तो ये कहना चाहते थे कि अगर अब की बार हमारे कहने से शिखराज महाराज की पूजा करी जाए तो बाबा तुम नहीं जानते हमारे जो देवता हैं प्रत्यक्ष देवता वो श्री गिरिराज महाराज हैं। तो बाबा अब की बार हमारे कहने से गिरिराज महाराज की पूजा करिएगा। तो कहा ठीक है मैं थोड़ा ब्रजवासियों से पूछ लेता हूँ। ठीक है पूछ लीजिए बाबा। तो बाबा सभी ब्रजवासियों से पूछने लगे, सभी ब्रजवासी राजी हो गए। सभी ब्रजवासियों ने कहा लाला देख तेरे देवता की पूजा तो कर लेंगे लेकिन तेरे देवता को हमारी तीन शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। बोले कौन कौन सी? बोले मान लो अगर हम तुम्हारे देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं तो साई तुम्हारे देवता को प्रकट होकर के भोग हमारे सामने खाना पड़ेगा, बताओ शर्त मंजूर है? ठाकुर जी बोले मंजूर है। दूसरी शर्त ये है हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना पड़ेगा, मंजूर है? बोले मंजूर है। बोले तीसरी शर्त ये है अगर हमारे महाराज नाराज हो जाएं तो तेरे गिरिराज महाराज को हमें बचाना पड़ेगा, यानी कि हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कन्या बोले तुम्हारी मुझे तीनों शर्त मंजूर है। तो कन्या बोले ठीक है, तो अब बात किस देर ना करते हुए अब पकवान बनाए जाए। तो सभी ब्रजवासी अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। खुरचन है खीर मोन खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू साही है, मोन थार में वाटी मठरी महसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया और समोसा पापड़ पकौड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं आपके सामने बस रसगुल्ला घूम रहे हो? चिंता मत करो आपको भी खाने की ताई मिलेगी। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है, 56 प्रकार के भोग व्यंजन बना करके सब ब्रजवासी नाचते गाते हुए श्री गिरिराज महाराज की तरफ चलते हैं। अपनी अपनी बैलगाड़ियों में
सजा रखे हैं सभी ने पकवान। 56 प्रकार के पकवान हैं और राधा रानी का नाम लेकर के गाते नाचते सभी ब्रजवासी धूम मचाते हुए जा रहे हैं। आइए सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए राधा रानी का नाम लेते हुए और आनंद में झूमते हुए हम भी ब्रजवासियों के संग शिवराज महाराज का पूजन करने के लिए चलते हैं। मन धन चलो सभी को वरदन अर्पण करके तन मन धन चलो सभी को वरदन श्री राधे राधे बोल के श्री राधे राधे बोल के देखे पर ब्रह्मा डोल के अर्पण करके तन मन मन चलो चलो सब को वरदन अर्पण करके तन मन मन चलो चले सब को वरदन जय जय।
सभी ब्रजवासी नाचते गाते हुए राधा रानी का नाम गुणगान करते हुए शिवराज महाराज की तरफ चलते हैं। राधे और भक्तों कुछ ही पलों में आपके सामने गिरिराज महाराज की झांकी आएगी। कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ, कोई खड़ा नहीं होगा। दूसरी बात, आप लोग घर के सभी कारों को छोड़ कर देखिए ऐसे नहीं जाते हैं। गिरिराज जी को जा रहे हैं तो दोनों हाथ उठाइए, सभी भक्त दोनों हाथ उठाकर तारी बजा दें।
परिवार के घर वासी है, मेरे माता घर के घर वासी है, परिवार पूरन वासी है, मेरे माता घर के घर वासी है, परिवार पूरन वासी है, ये गिर रहा है करके भगवान ने कहा चलो जितनी भी सामग्री है सबको उतार लो। सब ब्रजवासी उतारने लगे, तब कन्हैया कहने लगे सबसे पहले गिरिराज महाराज को स्नान कराइएगा। सभी ब्रजवासी स्नान कराने लगे। सुबह से सांझ हो गई लेकिन गिरिराज महाराज की पूंछ भी गीली नहीं हुई। गिरिराज महाराज की पूंछ बहुत लंबी लंबी थी। सुबह से सांझ हो गई लेकिन गिरिराज महाराज की मूछ और नख भी गीले नहीं हुए। तब सब ब्रजवासी लाला के पास आए, बोले लाला तेरे गिरिराज महाराज तक तो बड़ो लंबो चौड़ो है। सुबह से सांझ हो गई लेकिन तेरे गिरिराज महाराज की मूछे गीली नहीं हुई। कन्हैया बोले क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं यही गंगा जी आ जाए। तभी भगवान ने कहा सभी प्रार्थना करो। श्री गिरिराज महाराज से सभी प्रार्थना करने लगे श्री गिरिराज महाराज से। तभी मेरे प्रभु ने अपने मन से ही मानसी गंगा का प्रकट कर दिया। बोलिए भाई सिंह गंगा की। मानसी गंगा प्रकट हो गई। सभी ब्रजवासियों ने स्नान कराया है श्री गिरिराज महाराज का। स्नान कराने के बाद में मेरे प्रभु पूजन करवाने लगे। एक रूप से स्वयं खड़े हैं ठाकुर जी और दूसरे रूप से मेरे प्रभु मुरारी बन करके तुरंत शिगराज महाराज में प्रकट हो जाते हैं और कहने लगे लाओ ब्रजवासी मुझे भोग चढ़ाओ। सभी ब्रजवासी खुश हो गए। सभी ब्रजवासी जयकारा लगाने लगे जोर जोर से। बोलिए शिगराज महाराज की जय हो। जोर जोर से सब जयकारे लगाने लगे। तभी मधुमंगल कहने लगे लाला ये गिरिराज को मोड़ो तो तेरो जैसो है। कन्हैया बोले मैं क्या करूं तुम मेरो जैसो है। बोले ना मैं तो कह रहा हूं क्योंकि मेरे ठाकुर ही उसके शिगराज महाराज में प्रवेश कर गए थे। तभी भगवान एक रूप से खड़े होते हैं, एक रूप से गिरिराज में चले जाते हैं और मेरे प्रभु पूजन कराते हैं। आप ही पूजन करा रहे हैं और आप ही पूज रहे हैं। ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों पर पूजन कराते हैं और गाते हैं। सभी ब्रजवासी गा रहे हैं हर तो एक बार आजा गिरिराज की शरण। अगर जो भी भक्त एक बार सच्ची आत्मा से गिरिराज जी की शरण में चला जाता है तो मेरे गिरिराज महाराज जरूर उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो मन के द्वारा गिरिराज जी के शरण में जाना चाहिए। आई चलते हैं हर तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण। गिरिराज की शरण में महाराज की शरण। गिरिराज की शरण में महाराज की शरण। गिरिराज की शरण में महाराज की शरण।
भोजन की शोभा थाली से होती है ना, भोजन की शोभा थाली से होती है, बात की शोभा माली से होती है, ससुराल की शोभा साली से होती है, और भजन की शोभा ताली से। इसके सभी ऊपर हाथ खड़ा करें, पूरा पूरा राधे। जब ध्यान दान हो गई तेरा की शरण में, आराम से शांति हो, शांति का दान देते हुए परिक्रमा लगा के शिखराज महाराज से प्रार्थना करें। आप जो भी प्रार्थना करोगे गिरिराज महाराज से, उसे पूर्ण अवश्य करेंगे। इसलिए सभी से प्रार्थना एक एक करके, अगर पैसा ना हो
ये सोच रहे होंगे कि पैसा नहीं तो कैसे जाए, कोई बात नहीं, कहते नहीं है ठाकुर जी के लिए अगर एक फूल भी अर्पित करोगे ठाकुर जी उसे भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी जो मन में इच्छा हो उसे जरूर ठाकुर जी के सामने अर्पित करें, जिससे ठाकुर जी आपकी पूर्ण करेंगे। आइए सभी गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं, जोर जोर से जयकारा लगाने लगे हैं, बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। जब जोर जोर से जयकारा लगने लगा तभी नारद जी, तभी इंद्र कहने लगा ये हल्ला किस बात का मच रहा है, इतना शोर कहाँ से हो रहा है। कहा नारद जी ने, अरे राजन आपका तो हो गया पत्ता साफ। बोले मतलब, बोले नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा को बंद करवा दिया है। सभी आराम से पूजन करें। आइए पूजन करते रहिए, एक दो भजन का आनंद लेते रहेंगे। छठा तेरी तीनों किसी न्यारी है, श्री गोवर्धन महाराज। जय जय। देखिए जो भक्त पूजन कर रहे हैं एक एक करके पूजन करते जाएं और अपने स्थान पर बैठते जाएं, और जिन माताओं को नाचना है झूमना है गिरिराज जी की शरण में ताली बजाते हुए सभी आनंद लेंगे गए। और जिन माताओं ने पूजन कर लिया हो वो पूजन करके अपने स्थान पर जरूर बैठे, क्योंकि औरों को भी पूजन करना है। जिन्होंने जो पूजन कर लिया वो पीछे हट जाए, रहते रहते आइए चलते। छठा तेरी तीनों किसे न्यारी है, गोवर्धन महाराज। 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 गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीनों किसे न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीनों किसे न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा करे तू मन मन की सब संकट कट जाए तू पूजा करे गोबर धन की सब संकट कट जाए कट जाए तो पूजा करी हो कट कट जाए
बाबा साहब। बोले क्या हुआ? बोले नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी और अपनी पूजा चालू। अच्छा जाओ मेघ माला को आदेश कर दे, जाओ पूरे ब्रज में बता दो। मेघ माला को आदेश किया, तुरंत मेघ माला गरजती हुई ब्रज पर टूट पड़ी। मूसलाधार बारिश हो रही है, सब ब्रजवासी कहने लगे लाला लाला अब हम लाला अब हमारे प्राणों की सुरक्षा कर, अब हमें बचा। तब मेरे गोविंद ने कहा ठीक है। सभी ने कहा, भगवान ने कहा चलो सभी मिलकर के शिखराज महाराज का ध्यान करते हैं। सभी भगवान शिखराज महाराज का ध्यान करते हैं, सभी ब्रजवासी करने लगे गिरिराज महाराज का ध्यान। तभी मेरे प्रभु ने शिखराज महाराज को उठाया और अपने कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर लिया। बोल शिखराज महाराज की जय। मेघ माला टूट पड़ी ब्रज पर, मूसलाधार बारिश हो रही है। 85 वर्ष की उम्र में आज तक नंद बाबा ने ऐसी बारिश नहीं देखी, मूसलाधार इस बारिश हो रही है। सभी ब्रजवासी भगवान को निहार रहे हैं। आइए एक भजन होगा, उसके बाद में आरती होगी, प्रसाद लेकर के अपने घर जाएंगे। राज महाराज जी के भी नैना ऐसे ही हैं कजराले। तो मेरे शाम के जो नैना हैं बड़े कजराले हैं, और कहते हैं बांके बिहारी हैं, जब लोग भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बारी बारी से पर्दा हटाया लगाया जाता है। तो वो इसलिए लगाया जाता है कहीं मेरे बांके बिहारी के नैना किसी भक्त के ऊपर ना लग जाए। अगर बांके बिहारी के जो नैना लग जाए तो मेरे बांके बिहारी ठाकुर के भक्त चले जाए। तो कहते हैं हरे श्याम सखी मोगे जादू सौदार, Bye.
गिरिराज महाराज की जय। नाम वाक्य बिहारी राज।